हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका शास्त्र विश्वासिस। आज हम पहुंच गए हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर में। तो फिर आज हमारे साथ हैं विघ्नेश दलाई, ऑल इंडिया रैंक 27, जो कि उड़ीसा से हैं। तो फिर मैं आज उनको स्वागत करूंगा कि आज वो उनके आरआई के जर्नी के बारे में कुछ हमारे भविष्य एक्सपीरियंस को कुछ बताएं। हेलो, myself Vignesh, I am from Moyurbhanj, Odisha, and I secured AIR 27 in MSc at Mathematics, and I am very happy to come here, and TCS learning helps me a lot, means it mean to me a lot that it is the only platform in all India which give information, coaching and lots of mock tests and many more things, opportunities and motivation, main thing, motivation and why to come here. Okay. To become a teacher, students here, I am from Odisha. I take distance learning, the crash course batch, which helped me a lot. But the students come here without any coaching. They didn't know even what the institute is, why this institute is important, and many more things like that. So, हम बोल सकते हैं कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को पाने के लिए जो माध्यम आपने चूज किया था वो डिशेस लर्निंग का प्लेटफॉर्म था। तो आपके माइंड में कब आया कि नहीं, मुझे इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन होना है और मेरा अपना लाइक भविष्य को उसी फील्ड में करियर को आपने गढ़ने के लिए जो माइंड का सेट बनाते होंगे, तो वो कब आपने चूज किया? एक्चुअली मेरा एक्सेल में ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा एक्सेल ड्रॉप था, तो ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ है। तो मैं, मेरे फैमिली में सब टीचर है, तो मैं टीचिंग फील्ड में आना था, मुझे ये पता था। बट प्रॉब्लम वही था कि मुझे पता नहीं था कि ये कॉलेज ऐसा है वैसा है। मैं अपने स्टेट गवर्नमेंट में होता है वहाँ इंटीग्रेटेड बीएड करने वाला था। अच्छा। बट डिशेस लर्निंग के वजह से इस बारे में जाना, कोचिंग के लिए और सब कुछ हो गया। अच्छा अच्छा। तो फिर हम बोल सकते हैं कि डिशेस का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा हुआ है आपका जीवन के ये संघर्ष में। तो फिर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो आगामी जो एस्पिरेंट्स हैं, तो फिर आप उनको क्या बोलेंगे, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग को कैसे हैंडल करें और किस तरह का गाइडेंस सार से लें जो कि ये आरआई का जो मतलब जो एग्ज़ाम है इसको क्लियर कर सके। डेफिनेटली जोगेश्वर सर टीचिंग एप्टीट्यूड, अभी सर इंग्लिश एंड प्रशांत सर रीजनिंग, उन्होंने बहुत हेल्प किया है हमारे, मतलब जितने भी लड़के थे या लड़कियाँ थे जो भी थे। तो इतना बताऊँगा, सर के ऊपर कभी डाउट मत करना, सर जो बोल रहे हैं उतना बस करके जाओ कोचिंग के लिए, एग्जाम के लिए हो जाएगा। बस अपने ऊपर बिलीव रखो, किसी को मत देखो एग्जाम हॉल में कि वो इतना कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा। बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड देन जाके फुल कॉन्फिडेंस और अपने जो भी एटीट्यूड के साथ एग्जाम दे दो, आराम से निकल जाएगा। अच्छा, तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शंस था वो सही महीने में था, है ना? तो फिर तुम्हारा वीक पॉइंट किस में था, इंग्लिश में, रीजनिंग में या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में? एक्चुअली मुझे लगता है वीक पॉइंट मेरा रीजनिंग में ही था, क्योंकि जोगेश्वर सर टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छी पढ़ाते हैं या बहुत हद तक हेल्प किया है सर के, वो टीचिंग मटेरियल और सब कुछ, वो सर के टीचिंग सब कुछ। रीजनिंग प्रशांत सर अच्छे पढ़ाते हैं, बट इस साल हमारा थोड़ा टफ आ गया था रीजनिंग का पार्ट, सो वो थोड़ा सा मतलब वीक लगा मुझे। अच्छा, तो फिर आज यहाँ पे आप पहुँच गए हैं, तो आप कैसे अनुभव कर रहे हैं कि नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर जो एंग्जायटी होता है कि हाँ एक रणनीति होता है ना, रणनीति को आप जीतने के बाद वो एक मतलब फीलिंग्स कुछ अलग होता है, संघर्ष के वक्त फीलिंग्स कुछ और होता है, पाने के बाद उसका फीलिंग्स कुछ और होता है, तो फिर उसके बारे में क्या आप बोलोगे? डेफिनेटली सर ने जैसे बोला था, ये एनवायरमेंट देता है आपको एक अच्छे टीचर बनने के लिए। डेफिनेटली ये आके मैंने यहाँ पे फील किया, क्योंकि तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न हाउ टू डू प्रेजेंटेशन, आपको बात कैसे करनी है, आपको बड़ों से बात कैसे करनी है, टीम बिल्डिंग कैसा होता है, मतलब सब कुछ। आप एक नया पर्सनैलिटी यहाँ पे डेवलप करोगे। करेक्ट करेक्ट।
सो हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा पर्सनालिटी आपको बन जाएगा, एक टीचर का पर्सनालिटी बन जाएगा। तो फिर तो इसी के सिलसिला में हम बिजनेस के साथ आज रीजनल इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग हमारा भविष्य एक्सपीरियंस को बताएं और बहुत सारे वार्ताओं को हमने पहुंचाई है। तो फिर मैं अंतिम में ये सिर्फ पूछना चाहूँगा कि ये जो इंस्टीट्यूट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लेसमेंट्स आते हैं और सीनियर्स जो फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर तक पढ़ते हैं, सबका एक्सपीरियंसेस को आपने गेन किया, अब जो कि यहाँ पे माहौल जो बना हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताइए और कैसा लग रहा है इंस्टीट्यूट को पहुँचने के बाद आपको कैसा लग रहा है, और हॉस्टल्स का लाइफ कैसा है क्या नहीं, और खाना वाना, और आपका जो विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे आए हैं भारत से, तो फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत। डेफिनेटली ये एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, भारत के हर कौन से लोग आए हैं यहाँ पर, बहुत से भाषाएं बोली जाती है यहाँ पे, बट आपको इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वही कॉमन लैंग्वेज है, हिंदी से काम नहीं चलेगा भाई। आप आ रहे घूमने से अलग बात है, बट यहाँ पे वो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अच्छा। एंड हाँ, एक और एक बात है, प्लेसमेंट्स यहाँ पे बहुत मतलब होती है, बहुत से स्कूल आते हैं, एक टाइम पे ऐसा मतलब सिचुएशन हो रहा है कि उनको कैंडिडेट्स चाहिए बट कैंडिडेट्स यहाँ पे फिलअप नहीं कर रहे, मतलब इतना डिमांड है RI टीचर के लिए। तो इतने से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कॉलेज का नाम कितना है ऑल इंडिया में। सही है। तो फिर एक शिक्षक बनना और शिक्षक की भूमिकाओं को जानना, तो ये सबसे बड़ी बात हो गई है यहाँ पे। तो फिर ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि आपका जो RI का जर्नी था, वो DCS का जो डायरेक्शंस रहा है, DCS का जो भूमिका रहा है, जोगेश्वर सार का जो भूमिका रहा हुआ है, और प्रशांत सार का भूमिका रहा हुआ है, इंग्लिश सार का भी भूमिका रहा हुआ है, और बाकी तुम्हारा पेरेंट्स का भी जो तुमने सलाह दी, विदाउट पेरेंट्स तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, सही है, सही है। तो फिर RI के बारे में आपको जानने को कहाँ से मिला था? एक्चुअली मेरे पापा टीचर है तो उन्हें पता था। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा एक इंस्टीट्यूट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बट मुझे नहीं पता था कि इस इंस्टीट्यूट के लिए मतलब कुछ कोचिंग वगैरह है कि नहीं। मैं ऐसे ही YouTube में सर्च किया इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, फॉर्म फिलअप के लिए। वहाँ पे मुझे DCS लर्निंग पहली बार पता चला कि ये सब कुछ है। अच्छा, तो फिर आपने मटेरियल लिया था वहाँ पे? मटेरियल मैंने लिया। मटेरियल का क्वालिटी कैसा था? बहुत अच्छा था, मतलब मैं सिर्फ वो ही मटेरियल पढ़ के ही यहाँ पे आया हूँ, मैं कुछ अलग नहीं। क्लासेस वगैरह लिए थे? हाँ, क्लासेस मतलब 3 आवर क्लासेस पक्का रहेंगे प्रतिदिन, मतलब आपका और उसके साथ सेल्फ स्टडी आपको वो तो चाहिए ही, करना ही पड़ेगा। अगर आपका रीजनिंग में वीक हो तो फिर आपको खुद उसको आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स रहता है ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इंग्लिश का ग्रामर के पोर्शंस आपके कैसे रहे हुए हैं? हाँ, ग्रामर्स इंग्लिश पोर्शन मतलब इजी आया था इस बार कंपैरेटिवली लास्ट ईयर, बट हाँ वो सर जैसे बोलेंगे वैसे ही करते रहो, और सबसे इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, एग्जाम में भी आराम से कर सकता हूँ। और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो जनरल अवेयरनेस होता है, और बहुत सारे फुल फॉर्म्स आते हैं मैं सुन रहा था, और जो टीचिंग का मतलब काबिलियत बनने के लिए जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? उसको मतलब आप क्लासेस अटेंड कीजिए जोगेश्वर सर के, वो पूरा जो क्लासेस है उनको पूरे ध्यान से देखना, वो सब वहीं पे हो जाएगा, मतलब आप अगर उनके क्लासेस भी अटेंड करके जा रहे हैं सिर्फ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको ईजी लगेगा। अच्छा, तो फिर ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा एक जर्नी था विघ्नेश जी का। तो फिर अंतिम में हम ये बोलेंगे कि शिक्षक और शिक्षक की भूमिकाओं को सीखने के लिए जो माध्यम होता है वो आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ही होता है। तो फिर यहाँ आज तक हम यहीं पे ही रुकते हैं। तो थैंक यू विघ्नेश जी, धन्यवाद आप हमें टाइम दिए और यहाँ पे आके हमारा भविष्य एक्सपीरियंस को अपना वार्ताओं को पहुँचाए, और भविष्य एक्सपीरियंस भी आपसे बहुत डेडिकेटेड होंगे, आपसे इंस्पायर्ड होंगे और RI एग्ज़ाम के लिए तैयारी होंगे। तो आज तक इतना है, धन्यवाद।